खत्म होने वाला है भारत का इंतजार, क्योंकि वायुसेना के बेड़े में आने वाला है घातक हथियार। भारतीय वायुसेना दिवस यानी 8 अक्टूबर को पहला लड़ाकू विमान राफेल फाइटर जेट फ्रांस भारत को सौंपेगा, जिसको आधिकारिक तौर पर रिसीव करने खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत से पेरिस के लिए उड़ान भर चुके हैं। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 7 अक्टूबर को 3 दिवसीय फ्रांस दौरे पर हैं, जिसके बाद 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के दिन ही रक्षा मंत्री देश का पहला राफेल विमान रिसीव करेंगे। इस खास मौके पर राजनाथ सिंह फ्रांस की मशहूर पोर्ट सिटी बोर्डो में सशस्त्र पूजन भी करेंगे। पूजा करने के बाद वे राफेल विमान में उड़ान भरेंगे, ठीक वैसे ही जैसे वो पहले स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में भर चुके हैं। राफेल फाइटर जेट के भारत आने के बाद वायुसेना की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी, जो कि हवाई क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हो पाएगा और पाकिस्तान और चीन से होने वाले हवाई हमलों को रोकने और उसे काउंटर करने में भी काफी मददगार साबित होगा, क्योंकि पड़ोसी देश का लगभग हर इलाका इन विमानों की रेंज में होगा। यही वजह है कि हिंदुस्तान लंबे समय से फ्रांस के इस आधुनिक लड़ाकू विमान का इंतजार कर रही है, जो जल्द खत्म हो जाएगा। लेकिन भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए राफेल इतनी जरूरी क्यों है, ये जान लेना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। राफेल विमान क्यों है इतना खास? परमाणु हथियार ढोने समेत तमाम तरह के मिशन को अंजाम देने राफेल एक बड़ी भूमिका निभाता है। राफेल से एक मिनट में विमान के दोनों तरफ से 30 mm की तोप से 2500 राउंड गोले दागे जा सकते हैं। विमान की मारक क्षमता 3700 किलोमीटर है, जबकि ये 1900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। राफेल 14 हार्ड पॉइंट के जरिए भारी हथियार गिराने की क्षमता भी रखता है। इसके अलावा राफेल विमान 24,500 किलो वजन उठाने में सक्षम है। तमाम खूबियों के साथ राफेल 300 किलोमीटर की रेंज से हवा से जमीन पर हमला करने में सक्षम है और सक्षम है 9.3 टन वजन के साथ 1,650 किलोमीटर तक उड़ान भरने में। अफगानिस्तान, लीबिया, सीरिया और माली में ये विमान सफलतापूर्वक आजमाए जा चुके हैं और सफलतापूर्वक आजमाए जाने के बाद फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट ने भारतीय वायुसेना के हिसाब से इस विमान में कई तरह के बदलाव किए हैं और स्पेशली भारत के हिसाब से इसे तैयार किया गया है, जो दुश्मनों को हर परिस्थिति में मात देने के लिए सक्षम है। दरअसल भारत ने 2016 में फ्रांस के साथ 58,000 करोड़ के 36 विमानों का सौदा किया था, जिसको लेकर 7 अक्टूबर को राजनाथ सिंह फ्रांस की 3 दिवसीय यात्रा पर राफेल की पहली खेप प्राप्त करेंगे और इस यात्रा के बाद 4 राफेल विमान साल 2020 के मई महीने तक भारत को मिलेंगे।